क्या बोलने वाला हूं। जब तक आप अच्छी तरह से बोलना नहीं सीखेंगे तब तक आप प्रभु के नहीं बनते हो। ये हमारी जो जुबान है ये हमें पाप में भी लेके जाती है और परमेश्वर के पास भी लेके जाती है। तो आपकी जुबान कैसे काम करती इसको सबसे पहले हम अच्छा से जीवन में लेना चाहिए। हमारे यहाँ पंजाब में एक अच्छी कहावत भी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि इस जो जीभ होती है, जुबान होती है, इसके अंदर हड्डी नहीं होती है लेकिन बहुत से लोगों की हड्डियाँ ये तुड़वा देती है। मतलब ऐसे कुछ भी आपने बोल दिया तो ये लोगों के घर में झगड़ा लगा देती है। हम याकूब की पत्री में एक वचन को पहले देखेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं और हमारी जुबान कैसे हमारे जीवन में काम करती है। आप सबसे पहले अपनी जुबान को अपने वश में लाना सीखे, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान आपके जीवन में लेके आ सकती है। तो याकूब 3 अध्याय उसके मैं 5 वचन से ही आपके लिए पढ़ूंगा। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, ये बड़ा अंग नहीं है। वचन में बताया हमारी जो जीभ है, जुबान है, ये छोटा सा अंग है, लेकिन ये छोटा सा अंग होने के बाद भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। और आगे क्या बताया इसमें, हमारे अंगों में अधर्म का छोटा सा अंग वह बड़ी बड़ी डींगे मारती, और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। ये याकूब बता रहा है कि जैसे एक छोटी सी आपने एक माचिस की तीली लगा दी, जब पहले लोग पत्थर से ऐसे ऐसे रगड़ते थे तो छोटे से अंगारी ऐसे गिरने से बड़े बड़े जंगल हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, वैसे ही ये जुबान है, ये हमारी जीभ है। चाहे आप घर पर क्यों हो आप सोचना चाहिए आप अपने माता पिता से बात करते समय कैसे जुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को बहुत सा दुख देते हैं बोलने के समय, उनको पता नहीं हमें क्या बोलना चाहिए। घर में झगड़ा लग जाता है, मुझे अभी ये चीज चाहिए तो चाहिए। बहुत से पति पत्नी ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात को लेकर पता नहीं कितना बढ़ा देते हैं और उनके घर में सदा के लिए झगड़ा चला जाता है। कभी कभी दोस्तों में ऐसा बोलने से, ये छोटा सा अंग है लेकिन ऐसे बात करेगा कि आपको पूरा जलाकर राख कर देगा और आप अलग हो सकते हो किसी से। तो ये जुबान को इस्तेमाल करना सीखें। हम कितने बुद्धिमान हैं, हमें हर चीज के बारे में पता होता है, हम कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे ये सब हमें याद रहता है, लेकिन बोलते समय हर कोई भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। जब आप इन चीजों को जान लिया, आपको पता चल गया कि मेरा बोलना कैसा होना चाहिए, तो आप प्रभु के राज्य के योग्य बन सकते हो। लेकिन अगर आप बोलना ही सही नहीं जानते हो तो आप प्रभु के राज्य के योग्य नहीं बन सकते हो। यहां पर यह बता रहा है कि जीभ एक छोटा सा अंग है लेकिन अंग छोटा है लेकिन काम बड़े बड़े। झूठ बोलने के लिए जीभ नंबर 1 काम करती है कि नहीं? आप फटाफट इससे बोल दोगे। हाथ नहीं काम करते झूठ बोलने के लिए, करते हैं क्या? पैर काम नहीं करते, आंखें काम नहीं करती, लेकिन ये जुबान फटाफट बोल देगी झूठ बोलो। तो चाहे आप झूठ अपने पास्टर से बोलते हो, परमेश्वर से बोलते हो, माता पिता से बोलते हो, अपने दोस्त से बोलते हो, किसी से भी अपने भाई बंधु से झूठ बोल रहे हो, तो आप अपनी जुबान से याद रखें, बहुत ही ज्यादा याद रखें। आत्मिक युद्ध के लिए मुख्य जो आपका जो मेन है आत्मिक युद्ध में गिरने के लिए वो आपकी जुबान है। आंखों को कंट्रोल कर लेता है आदमी कभी भी, अपने मन को भी वो पता नहीं चलेगा, अंदर अंदर ही रह जाएगा। अपने दिमाग को कंट्रोल करेगा लेकिन जुबान को वो कभी भी कंट्रोल में नहीं लाता। जिसकी जुबान उसके वश में है, जो छोटा संग है। हम कितनी बाइबल पढ़ रहे हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। आप कितनी प्रार्थना करते हैं वो बाद में है, लेकिन आप बोलते कैसे हैं वो सबसे पहले है। सबसे पहले आप बोलते कैसे हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये बड़ी बड़ी डींगे पता कब मारेंगे, हम प्रचार करते समय बड़ी बड़ी डींगे मारेंगे, ये बोलेंगे मैं ऐसा हूं वैसा हूं, बताएंगे प्रभु ने ये कहा वो कह दिया, लेकिन आज सोचकर देखिए क्या जुबान हमारे बस में है, क्या ये पाप की दुनिया में नहीं लेके जा रही। और इसमें क्या बताया 6 वचन में, जीभ भी एक आग है। ये क्या है? एक आग है। ये आग है भाई, तो आग का काम क्या होता है? सुखाना, जलाना। ये सुखा देती है कपड़ों को? नहीं, जलाता है। ये आग का काम सुखाना नहीं है, ठंडक देती है बॉडी को? नहीं,
ठंड लगने लगती है आपके पास जाके, क्यों योगन भाई? क्या ठंड लगता है इसको देख के? नहीं, ये जला देती है। ये आपकी जुबान एक आग है। कुछ बोल, हमारे यहां पर बोलते हैं, अरे तुमने तो सुबह सुबह मुझे जला ही दिया। कैसे? मुंह से एक शब्द बोल दिया, वो जल गया उसी समय, उनका मन जल गया उसी समय। कुछ घरों में ना रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है, तो लोग हाथ से नहीं झगड़ा करेंगे। कैसे करेंगे? अपनी जीभ से करेंगे और जलाकर राख कर देंगे दूसरे को। और आपको तलवार पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको रिवॉल्वर की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपको किसी को भी मारने के लिए जुबान ही काफी, आपने बोल दिया तो मर जाएगा ऐसे। तो अपनी जुबान को आप सही में रखें। जी आग है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, याद रखें। जो हमारी जुबान है ये जैसे अधर्म की दुनिया में एक लोक है, ये हम ये पूरी बॉडी के ऊपर कलंक लगाती है। आपको पता है ये संसार है, इसका भी जुबान का भी एक अलग दुनिया है अपना ही, इसका एक अधर्म की दुनिया है जी एक, इसी से अधर्म पैदा होता है। अब शुरू से देखिए कैसे पाप हुआ। जब सांप ने हवा को बहकाया, उसकी बातों में आकर उसने वो फल खाया और अपने पति को दे दिया। लेकिन जब समय आया, परमेश्वर ने आगे पूछा, आपको किसने कहा? तो लोग क्या किया, आदम क्या बोला? ये पत्नी जो तुमने मुझे दे दिया है, इसने मुझे खिलाया। क्या बताया उसने? पत्नी को दोष लगाया, पत्नी को दोष दे, इसने मुझे खिला दिया। कैसे हो सकता है कि पत्नी ने जबरदस्ती खिला दिया? नहीं। अगर आपकी पत्नी आपको बोलेगी चलो यार पियो, पियोगे? कोई भी नहीं पिएगा। लेकिन वो क्या बताया, जो पत्नी आपने मुझे दे दिया उसी ने मुझे ये खिलाया है, उसने बोला खा लो फल खा लो। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं, पत्नी के कहने से चर्च नहीं आएंगे, शराब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगा तब बोलेंगे इसने बोला था मुझे। और जब हवा को पूछा गया, उसने तो किससे बोला? अपनी जीभ से बताया, मुझे आपने जो पत्नी दे दिया। हवा से पूछा कि उसने बोला मुझे सांप ने बोला था, तो सांप ने क्या तोड़कर दे दिया उसको? नहीं, उसने सिर्फ दिखाया। तो यही आग का काम करने वाला काम है, यही आग का काम होता है। ये जुबान एक आग है, सिर्फ बता दिया तो आग लग गई उसी समय। प्रभु ने बताया था जिस दिन तुम फल खाओगे तुम मर जाओगे, उनको मौत का डर नहीं। आज भी तो बहुत बार बोलते ना, अरे आप मर जाओगे ये काम मत करो, लेकिन आपको डर नहीं मौत का, क्योंकि आप देखा नहीं ना जीवन में कभी कैसे मृत्यु को। पता चलेगा जब लास्ट समय में बिस्तर पे लेटे हैं, तभी पता चलेगा आप मृत्यु होने वाली है, तब पता चलता मृत्यु किसे कहते हैं। बीमार होने से पहले बीमारी का पता नहीं चलता, पता चलता पैसे कैसे कैसे होता है। अब किसी को बुखार आता तब उसको पता चलता है ये क्या होता है, उससे पहले हम बेफिक्र होकर घूम रहे, कुछ भी होगा देखा जाएगा। लेकिन याद रखें, पता तभी चलता जब आप पाप कर देते हो, उससे पहले पता करना चाहिए। उससे पहले प्रभु ने बता दिया था जिस दिन के फल खाओगे मर जाओगे, लेकिन वो अपनी जुबान से भी अंगीकार नहीं किया, प्रभु से क्षमा नहीं मांगा, लेकिन उल्टा एक दूसरे पे दोष लगाना शुरू कर दिया। इसने बताया, उसने बताया, अब सांप किसको बोले कि मैं किसका नाम ले हूं? अरे इंसान के पास ऑप्शन था, उसके पास ये भी नहीं था, वो किसको बताए कि मुझे किसने बोल दिया करने के लिए? तो आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे, है ना? अब बोलेंगे सर इसने बोला, उसने बोला, इसने बोला, उसने बोला, लेकिन वो क्या करेगा? तो अपनी जुबान को अच्छा से इस्तेमाल करें, याद रखें। अब ये ना सोचें कि आपकी जुबान कैसी है, ये पूरी बाइबल में लास्ट इसका मैं पढ़ दूं, जीभ हमारे अंगों में धर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। कहां पर कलंक लगाती है? ये सारी देह पर, ये आपके एक जगह के ऊपर नहीं, मुंह के ऊपर कलंक नहीं लगता, ये सारी देह पर, आपका सर से लेकर ऊपर से लेकर पांव के तलों तक आपको कलंकित कर देती है। तो अब जब भी बोलते उससे पहले सोचना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत से लोग बोलने से पहले सोचते नहीं वो क्या बोलने वाले हैं, लेकिन फटाफट जो मुंह में बोलना शुरू कर देते। मैं अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय उसके 11 वचन में बहुत ही एक अच्छी बात है,
परमेश्वर अगर आपकी जीभ को इस्तेमाल करेगा, आपकी जुबान को इस्तेमाल करेगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप प्रभु के सामने जाए। अगर आपकी जुबान में कंट्रोल नहीं होता तो प्रभु के सामने जाए। यहां पर क्या लिखा, निर्गमन 3:11 में क्या बताया उसने, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं, इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाऊं। याद रखें, ये पूछ रहे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और इसने इससे पहले पता आपको इसने क्या बताया था, इसने प्रभु को यहां तक बताया था कि मैं भद्दा हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, मैं ये सब चीजें नहीं बोल सकता हूं। तो परमेश्वर ने बताया था, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई को भेजूंगा। परमेश्वर ने बताया, इंसान के मुंह को किसने बनाया है, मैंने ही बनाया है, आप उनको मत देखो, आप मुझे देखना चाहिए। मूसा भी ऐसा पूछ रहा है, प्रभु मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता है। आप प्रभु के सामने जाए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। मूसा ने यह बताया, मैं कौन हूं, मैं कैसे जाके काम करूंगा। वो क्यों बोल रहा था पता आपको ऐसा, क्योंकि मूसा बाइबल में लिखा बोलने में भद्दा था, वो अच्छा से बोल नहीं पाता था। ऐसा पढ़ना चाहिए बाइबल में साफ करके बताया, कोई बोलने में भद्दा था, वो बोल नहीं सकता था, तब भी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, तब भी प्रभु ने उसके जीवन में काम किया कि वो मेरे साथ काम करना चाहिए। हालेलुया। हम जब भी कभी ऐसे हमारे जीवन में परेशानी आती तो हम फटाफट बैठ जाते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि प्रभु ने हमारी जुबान को बनाया, प्रभु ने ही हमें काम करने के लिए भेजा है। हालेलुया। और आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। याद रखें, आपकी एक चुनी हुई जीभ होनी चाहिए। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए, आप में से कोई पढ़िए 10:20। धर्मी के वचन तो उत्तम चाबी है। याद रखें, धर्मी के वचन कैसे हैं? उत्तम चाबी है, उत्तम चाबी है। परंतु दुष्ट का मन बहुत हल्का होता है। याद रखें, धर्मी के वचन मतलब आपकी जुबान एक चुनी हुई जुबान है। आप क्या बोलते हैं? धर्मी के वचन उत्तम है। आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं? आपकी जुबान काम करती है वो ज्यादा जरूरी, लेकिन जब काम कर रही तो काम में कैसे ला रहे हैं उसे? धर्मी का मतलब है वो अपनी जुबान को अपने काम में लेके आए। लेकिन बहुत से लोग अपनी जुबान को काम में नहीं लेते हैं, बहुत से लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब याद रखिए, और जब गुस्सा आता है तो आप कहां से बात करेंगे? जीभ से। अपनी जीभ से बात करोगे, जुबान को इस्तेमाल करोगे। तो ज्यादा जब गुस्सा आ रहा है तो सोचिए आपकी जुबान आपको परमेश्वर से दूर करने वाली है। जब गुस्सा आता है तभी आप नीचे गिरने वाले हो। अब सोचना चाहिए जुबान को इस्तेमाल, धर्मी की जुबान। फिर से पढ़िए उस वचन को, धर्मी की जुबान में क्या है? धर्मी की वचन तो उत्तम चाबी है। धर्मी के वचन तो उत्तम चाबी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। दुष्टों का मन हल्का होता है, लेकिन आप तो दुष्ट के काम में नहीं जाना चाहिए। याद रखिए, जब परमेश्वर ने सदोम अमोरा के लोगों को मारने के लिए सोच लिया, तब अब्राम वहां पर जाकर खड़ा हो गया। और अब्राम ने क्या पता बोल रहा था, अब्राम वहां पर परमेश्वर के साथ उनको बचाने के लिए काम कर रहा था, मतलब अपनी जुबान को वो उत्तम काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। परमेश्वर ने बताया मैं सबको खत्म कर दूंगा, तब अब्राम जाकर वहां पर जाके बोलता है, क्या परमेश्वर आप अधर्मी के साथ धर्मी को भी खत्म कर दोगे? तो परमेश्वर ने बताया नहीं। तो बताया अगर वहां पे 50 लोग धर्मी है तो क्या पूरे गांव को छोड़ दोगे? प्रभु ने बताया ठीक है, वहां 50 होना चाहिए, मैं सबको छोड़ दूंगा। ये धर्मी का काम है, वो धर्म के काम करने के लिए परमेश्वर के सामने जाके प्रभु से बातचीत। परमेश्वर को भी पता है कि वहां कोई धर्मी नहीं है, लेकिन प्रभु देख रहे कि ये कहां तक जा रहा है। अब दूसरों को बचाने के लिए अपनी जुबान को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम दूसरों के लिए प्रेयर किया कभी भी? इस जुबान से दूसरों को बुराई करने में बिता दिया, लेकिन इससे कभी भी दूसरों को बचाने के लिए काम नहीं किया।
तो राम वहां करते करते सोच के कहां तक पहुंच गया। उसने बताया प्रभु आप गुस्सा मत करें, आप क्रोध में कहां 20 हुए तो 10 हुए तो 5 हुए तो। प्रभु उसको पता चला बाइबल में लिखा है प्रभु चले गए क्योंकि वहां एक भी धर्मी नहीं था। लेकिन अब राम दूसरा जगह पे रह रहा वो धर्मी है, सब उन लोगों को वहां पर मरना पड़ा। लूत की फैमिली सिर्फ वहां से बचकर निकला, वो भी उसकी पत्नी ने पीछे देख लिया, नमक का खंभा बन गई थी। मूसा के समय में जब परमेश्वर ने सभी जो जंगल में सभी इसराइलियों को मारने के लिए सोच लिया कि सबको मार दूंगा, ये लोग मेरी आज्ञा के ऊपर नहीं चल रहे, तब मूसा अपनी जुबान को इस्तेमाल करता है, वही जो बोल रहा मैं बोलने में भद्दा हूं, वही इंसान जाकर वहां पर बोलता है परमेश्वर। वो प्रभु को एक याद रखिए सलाह देता जाके, प्रभु जी आपने मिश्र से निकाल कर लेके आपने वादा किया था, क्या आप इनको कौन सा देश दे रहे हैं? तो मिश्री लोग क्या सोचेंगे, यहोवा इनको आधे रास्ते में छोड़ देगा। ये धर्मी का जुबान है, वो परमेश्वर के सामने प्रभु से भी जाके बात करता है। उसने बताया प्रभु वो मिश्र के लोग क्या कहेंगे कि यहोवा ने छोड़ दिया इन लोगों को, नहीं आप नहीं छोड़ सकते इनको, और आपको पता है अगर आपको ऐसा ऑफर मिले तो आप शायद सब कुछ छोड़ दोगे कि चलो ठीक है मरने दो सबको। मूसा को प्रभु ने एक ऑफर दिया, मैं तुम्हारे वंश में से आगे बढ़ाऊंगा सब कुछ, लेकिन इन सबको खत्म कर देंगे। अगर वो स्वार्थी होता ना तो वो बोलता ठीक है प्रभु जी मार दो सबको, मेरे वंश में से सब कुछ बढ़ना चाहिए। तो उसने बताया नहीं प्रभु नहीं, इन्हीं लोगों को आपने चुना है, आपने मेरे पिता अब्राहम को चुना था, उसी का वंश आगे चलना चाहिए, वही पीढ़ी आगे चलना चाहिए इसको बचाने के लिए। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा दिया था तुम्हारे जो लोग हैं वो 400 साल तक गुलामी में रहेंगे, उसके बाद में छूटेंगे। उसको पता वो सब अब जो प्रभु की आज्ञा जो प्रतिज्ञा है वो खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें भी सोचते हैं हम जुबान से क्या बोले। ऐसा नहीं कि प्रभु को नहीं पता है कि क्या करना है, लेकिन परमेश्वर मूसा को भी जांच रहे हैं कि मूसा कैसे काम करता है। आपकी जुबान में मृत्यु और जीवन दोनों है, आपकी जुबान के अंदर मृत्यु और जीवन दोनों आपकी जुबान में छुपे हुए हैं। ये पढ़कर देखें नीति वचन 18:21 में क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। आप अपनी जुबान को सही से इस्तेमाल करना सीखे, जीव के वच में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। याद रखें आपकी जुबान में जीवन भी है और मृत्यु भी है। अगर मूसा चाहता तो वहां सबको मृत्यु मिलती, लेकिन मूसा के जुबान में मृत्यु नहीं है, वो अच्छा सोच रहा है सबके लिए बचना चाहिए। हम कभी कभी सोचते हैं ना आजकल, जैसे आप सोचना चाहिए आजकल कितनी मिनिस्ट्री, वो सोचता है ये गिर जाए और मेरी मिनिस्ट्री आगे बढ़ जाए। हाँ लोग सोचते हैं सभी लोग मेरी चर्च में आना चाहिए, बाकी चर्च खत्म हो जाना चाहिए। आपकी जुबान में आप क्या बात करते हैं, आपकी जुबान में आप क्या बात करते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ये विश्वासी गिर जाए मैं एक नंबर रहना चाहिए, मैं ज्यादा प्रार्थना में, मैं ज्यादा आराधना में, वचन में मैं ही आगे रहना चाहिए, लेकिन ये दूसरा गिर जाए इसको कुछ नहीं पता होना चाहिए। तो आप याद रखिए क्या दे रहे हैं दूसरों को, जीवन या मृत्यु? हम मृत्यु दे रहे हैं दूसरों को, हमारे मुंह में जीवन है। आप जीवन भी दे सकते हैं लेकिन जीवन देने के लिए कोई तैयार नहीं। तो ये आत्मिक युद्ध हमारी जुबान के साथ 24 घंटे चलता है। याद रखे ऐसा युद्ध है जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी अभी अगर आपने माफी मांग लिया नहीं तो माफ कर दिया, लेकिन 10 मिनट के बाद आपको फिर वहीं पे शैतान लाके खड़ा कर देता है। जब तक आप शैतान को अपने जुबान में यहां पर रखते हो तो वो काम करेगा, जब वो आपके पांव के नीचे आएगा तब वो काम नहीं करेगा। अगर वो सिर पे बैठेगा तो काम करेगा। अब उसको कहाँ पे रखना चाहिए, पाँव के नीचे रखना चाहिए, लेकिन आजकल नहीं रख रहे सभी विश्वासी, उल्टा उसके पाँव के नीचे जा रहे हैं। आजकल वो उनको काम में लाता है। आप इतना सोचना चाहिए, अगर कोई आदमी, अभी के लोगों की बात बताता हूं, अगर कोई आदमी प्रभु यीशु मसीह को गाली देता है, ध्यान से याद रखिए और सुनिए, जब कोई आदमी प्रभु यीशु मसीह को गाली देता है तो लोग, आप पढ़ना चाहिए फेसबुक में, लोग एक कमेंट वहां पर बार बार लिखेंगे प्रभु इनको क्षमा करे, प्रभु इनको क्षमा करे। किसी ने बाइबल फाड़ दिया तो लोग बोलेंगे प्रभु इनको क्षमा करे, इन्हें बुद्धि मिल जाए। बहुत सी ऐसा चर्च को तोड़ दिया तब भी लोग उनके लिए प्रेयर करते हैं। लेकिन अगर आपने जो जो बड़ी मिनिस्ट्रियां चल रही उनके अंदर आपने किसी पास्टर को कुछ बोल दिया तो लोग उनकी तरफ खड़े हो जाते हैं, प्रभु की तरफ कोई भी नहीं।
तब अब लोग आपको जज करना शुरू करते हैं, तब आप सोचना चाहिए इनके मन में कौन है, इनकी जुबान कौन इस्तेमाल कर रहा है। जब प्रभु को गाली दिया, बाइबल को फाड़ दिया, चर्च को तोड़ दिया, तब लोगों की जुबान काम नहीं करती, तब वो किसी के खिलाफ नहीं जाते, तब वो बोलते प्रार्थना कीजिए। अरे प्रार्थना कीजिए, हमारा काम झगड़ा करना नहीं। लेकिन मैंने यहां पर हमारे पंजाब में देखा है, जब आप किसी बड़ी मिनिस्ट्री जैसे लोग पापा बोलते हैं ज्यादातर जिनको, अगर आपने उनके बारे में कुछ बोल दिया, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पास्टर एक गाने के ऊपर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो लोगों को बता रहे हैं आप गलत हो भाई, नाचना तो काम है हमारा, ये कर सकते हैं हम, बाइबल में कहां लिखा कि हम नाच नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा करके वो बता रहे लोगों को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत बोल दिया तो लोग ऐसी बात नहीं करेंगे। अपने ही लोगों से लड़ना उनको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे लोग जब बुराई किया प्रभु यीशु मसीह को, तब उनके साथ उनको बात भी करना आता नहीं है। तो यहां से पता चलता उनकी जुबान किस काम में आ रही है। आपकी जुबान को कौन इस्तेमाल करता है ये याद रखना चाहिए। आपकी जुबान को कौन इस्तेमाल कर रहा है, याद रखे आपकी जुबान को परमेश्वर भी इस्तेमाल करेगा और शैतान भी करेगा। लेकिन जिस हिसाब से हम आज जीवन जी रहे हैं, आज की जो कलीसिया है उनकी जुबान को ज्यादा से ज्यादा शैतान इस्तेमाल कर रहा है, शैतान इस्तेमाल कर रहा है। याद रखे हनन्या और शफीरा जब पतरस के पास पहुंचे तो पतरस ने बताया था, उसको बताया हनन्या शैतान ने तुम्हारे मन में क्यों डाला, क्यों झूठ बोल रहे हो, मतलब अपनी जीभ से क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो। तो शैतान झूठ बुलवाएगा, शैतान बुरा आपसे बात करवाएगा। अब किसके कहने से चलना चाहिए, शैतान के या परमेश्वर के? परमेश्वर। अब बताइए परमेश्वर के कहने से चले, परमेश्वर के कहने से चलना चाहिए, शैतान के कहने से मत चले। शैतान आपका फ्रेंड नहीं है, क्या बाइबल में लिखा आपका दोस्त है वो? नहीं। हाँ क्या है आपका वो? आपका विरोधी है। बाइबल में ऐसा बताया पहला पत्रस 5:8 में, आपका विरोधी शैतान आपको ढूंढ रहा है कि आपसे कब वो गाली किसी को दिलवाए, कब झूठ बुलवाए, कब आपको नीचे गिराए, वो ढूंढ रहा है आपको कब गिराना है। तो जुबान याद रखिए, ये बहुत बड़ा युद्ध है जो जीता जा सकता लेकिन शैतान जीतने नहीं देते। तो पढ़ेंगे फिर से क्या लिखा, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता वो उसका फल भोगेगा। कौन फल भोग सकता है इसका, जुबान का? जो काम में लाना। तो आप अपने पहले याद रखे आप इसको कैसे काम में लाते हैं, कैसे काम में लाते हैं। आप दूसरों की जब बुराई करते हैं तो आप कैसे काम में ला रहे हैं उनको? गलत काम में। गलत काम में उसको लेते हैं जबान को, दूसरों की बुराई करते हैं। अगर आप भले काम के लिए दूसरों को डांटते तब क्या करते हैं आप? अच्छे हो। हम उसको डांट रहे, अच्छा बनना चाहिए आपको। तो जुबान आपके पास, आप कैसे भी इसको इस्तेमाल करें, कोई नहीं बोलने वाला। आपके पास है, प्रभु ने ऑप्शन दे दिया आपको, आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अच्छा भी कर सकते हैं, इससे बुरा भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों है। दो बटन आपके पास है, कौन सा दबाना चाहिए, एक ऑन है एक ऑफ है? हालेलुया। तो याद रखिए आपके पास है सब कुछ, अब क्या करना चाहते हैं। जुबान को जब तक कोई भी इंसान सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा वो गिर जाएगा। अजूब को शैतान इतना ज्यादा परेशान कर दिया, इतना ज्यादा परेशान कर दिया, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, आपको क्या लिखा उसके बारे में? अजूब 1:22 में पढ़िए क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ना चाहिए, फटाफट बाइबल खोलना सीखो भाई लोग। इतना समय तक बाइबल नहीं खोलोगे तो कैसे चलेगा? इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, अय्यूब ने ना तो पाप किया। इन सब बातों में मतलब उसका कितना कुछ उजड़ गया, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, इन बातों में भी प्रभु का उसने इनकार नहीं किया, उसने पाप नहीं किया, और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। तो दोष कहां से लगाएगा, वो अपनी जुबान से, अपनी जीभ से लगाएगा। पाप कैसे करेगा, मुंह से बोलकर ही करेगा। तो यहां पर साफ लिखा है कि इन बातों के बाद भी, अरे जब आपका इतना बड़ा बिजनेस गिर जाए, आपके बच्चे भी मर जाए, तब का प्रभु को कौन दुनिया में ऐसा है कि आज कोई बुरा नहीं बोलेगा, सब बोलना शुरू कर देंगे।
जितनी भी लोग बोलते ना मैं प्रभु में बड़ा स्ट्रांग हूं, मैं ये हूं वो हूं, पता नहीं मैं क्या करूंगा, वो लोग भी बुरा बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन यहां पर अय्यूब को देखिए, ये बुरा नहीं प्रभु को बोला, इसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। अब काम में लाना सीखिए, आपकी जबान में मृत्यु और जीवन दोनों है, ये कैसे काम में लिया? अब्राहम ने कैसे काम में लाया अपनी जुबान को? मूसा ने कैसे इस्तेमाल किया अपनी जुबान को? ये देखिए अय्यूब कैसे इस्तेमाल करता अपनी जुबान को। आप अपनी जीभ को सही से इस्तेमाल करना सीखे, तब परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनते हैं, तब आपके लिए स्वर्ग राज्य 100% आपको मिलने वाला है। लेकिन आप हमारी जुबान कैसे है, कैसे चलती है, हम पीठ पीछे जब बुराई करना शुरू करते रहे, मुझे इसने ये बोला वो बोला क्यों बोला ऐसा क्यों बोला, तब कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम जुबान को? अच्छा कर रहे हैं? नहीं, तब हम बहुत बुरा करते हैं। अगर आप सामने किसी को बात करते हो तो अच्छा है, अगर पीठ पीछे बुराई किया तो आप सबसे ज्यादा बड़े पापी बन रहे हैं। कुछ भी बात हो तो किसी के सामने जाकर बोलना चाहिए, भाई साहब बहन जी जैसा ऐसा प्रॉब्लम, हम बातचीत कर सकते हैं इसके पीछे में। पीठ के पीछे बुराई करने से और भी ज्यादा पापी बन रहे हैं, और भी ज्यादा पापी बन रहे हैं। तो पाप तो पहले इंसान को गिराना चाहता है, लेकिन यहां पर अय्यूब के बारे में जब पढ़ेंगे तब पता चलते पाप इनके ऊपर नहीं आ पाया, इन्होंने पाप को भी पांव के नीचे रख दिया। इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद जब सब कुछ लुट गया, इनके बच्चे भी मर गए, भेड़ बकरियां ऊंट बैल थे सब कुछ, जितने गदियां थी सब खत्म हो गया, इतना सब बिजनेस था सब खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो उसका जो ध्यान है वो सिर्फ प्रभु की ओर है। वो इसी जुबान से प्रभु को धन्यवाद देता है और अपनी पत्नी को भी बताया, आगे चलकर तो और भी हाल उसका बुरा हो गया। यहां से ये बाइबल में लिखा है सिर के ऊपर से लेके पांव के तलों तक पूरा फोड़े भर गए, पूरा जख्म हो गया बॉडी में, पूरा घाव बन गए पूरे, वो चल भी नहीं सकता है, लेट भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है, तब भी वो क्या बोला अपनी पत्नी को? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। लेकिन आजकल का विश्वासी कैसा होता है आपको पता है? अगर उसका पेन भी गिर गया तो अरे मैं तो एक अच्छा विश्वासी हूं, क्यों गिर गया? उसका फोन गिर गया तो प्रभु को दोष दे देगा, कुछ भी गिर गया तो प्रभु को दोष दे देगा। जब उस प्रभु ने दे दिया तब प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन अगर कुछ गुम हो गया तो वो प्रभु की गलती, वो प्रभु के ऊपर दोष मर देते हैं, वो प्रभु को बोलते हैं कि आपने बुराई किया। तो कैसे याद रखें, एक धर्मी के जो मुंह में है वो मौत भी है और जीवन भी है, आप अपने मुंह को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब कैसे इनमें से कैसे शब्द निकलते हैं आपके मुंह से? प्रभु यीशु मसीह ने बताया जो आपके मन में है वही क्या है, बाहर आएगा, वही आप अपनी जुबान से बोलते हो। तो आपके मन में क्या है ये सबसे पहले पता होना चाहिए, जब तक आपको आपके मन के बारे में नहीं पता तो दूसरा काम हम कर ही नहीं सकते। और ये एक मुख्य दरवाजा है, याद रखिए, एक मेन दरवाजा यही है, आपका जीभ है, एक आपका मुंह है जिसके जरिए से आप बोलते भी और अंदर भी लेते हैं, ये मेन दरवाजा है। पाप में गिरने के लिए ये बहुत बड़ा कारण होता है, हमारे बोलने से हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखें, अगर आप अपने जीभ को इस्तेमाल करेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। एक अच्छी कहानी मैं आपके लिए लूका उसका 16:24 में देखेंगे क्या लिखा। तब उसने पुकार कर मतलब तब धनी ने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम मुझ पर दया कर। अब्राहम मुझ पर क्या कर? दया कर। अरे आपने पहले किया किसी के ऊपर, अब दया तो वही करेगा ना, बाइबल में लिखा है जो दयावंत है उसके ऊपर दया की जाएगी, जो दयावंत है। आप दया करेंगे तो आपके ऊपर दया के मांग सकते प्रभु से। और क्या लिखा आगे, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, जिसको मैंने बहुत खाना खिलाया। हाँ उसको भेज, नहीं इसने भूखा रखा था, लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। अरे लोहिया, किसको ठंडी करे? जीभ को। अरे आपने जीभ को इस्तेमाल किया अच्छा से क्या?
क्या अभी इसको कैसे दिमाग जल रहा है, देखो इसका कहां जाकर अधोलोक में जाकर इसका दिमाग जल गया। जब जमीन के ऊपर है तब इसका दिमाग नहीं चल रहा है, तब इसको पता नहीं चल रहा है, तब इसको समझ में नहीं आ रहा है। जब वो नरक में चला गया अब आपकी कौन सुनेगा, तब आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। तब इसको आइडिया आ रहा है वहां पर अच्छा अच्छा बैठकर, तब बोल रहा है पिता लाजर को भेज दे। अरे आपने जब जीवन था आपके पास आपने क्या किया लाजर के साथ, क्या उसको भोजन दे दिया, क्या लाजर का ध्यान रखा? आप सोचना चाहिए जब तक जीवित है तो आप किसी की हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तब वो भूखा था उसको खाना नहीं, तब ये देवतर देखता लेकिन खाना नहीं दिया कभी उसको। तो आप भी जीवन में याद रखें ये जुबान तब जलेगी जब अपन इसको अच्छा से इस्तेमाल नहीं किया। ये जुबान जलेगी एक दिन वहां पर जाके अगर इसको अच्छा से इस्तेमाल नहीं किया। और वहां की आग कैसी है, बंद होगी क्या? लिखा वचन में वो बंद रहेगी एक हफ्ता तक, फिर एक दिन जलेगी वहां की आग जो वो तो कभी नहीं बंद ही नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगी। याद रखे कभी भी बंद नहीं होगी वो आग, वो हमेशा चलेगी। तो ये जुबान से आप प्रभु की महिमा करें, किसी मम्मी पापा की नहीं। मम्मी पापा मतलब वो नहीं तो घर पर है जिनको हमने बना लिया संसार में, उनकी महिमा मत कीजिए। आप महिमा करना चाहिए तो परमेश्वर की करें, क्योंकि जब अधोलोक में आप जाएंगे तो ये जुबान आपने धरती पे क्या बोला वहां पर आपको जाके इसका हिसाब देना पड़ेगा, वहां जाकर बताना पड़ेगा कि मैं क्या क्या बोल रहा था। और ये आदमी जो ये पूरा जीवन अच्छा से बिताया, धरती के ऊपर बहुत पैसा भी है, आजकल भी विश्वासी बोलते ना ऐसे कुछ लोग, अरे प्रभु का बहुत अनुग्रह है भाई, हमारे पास सब कुछ है प्रभु ने हमें दे दिया है, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन किसी को हेल्प नहीं, ये जुबान को अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे वो लोग। तो अच्छा अच्छा इस्तेमाल कीजिए तभी आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। जब तक हम जुबान को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रभु में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वहां पर जागे इनको दिमाग जल रहा है, अभी अधोलोक में आग लगता है ना तब दिमाग तेज होता है, हाँ तब बॉडी को जलन हो रहा है, तब इसको आइडिया आ रहा है कि क्या करना चाहिए, अरे अभी आना चाहिए अभी, वहां कौन देखेगा आपको जाके, बाद कोई नहीं देखेगा हालेलुया हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम ये भजन संहिता 141 उसका 3 और 4 वचन, देखिए क्या करना चाहिए। 141 हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे मुंह पर क्या कर, पहरा बैठा दो, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे होठों के द्वार की क्या कर, रखवाली कर। किसकी रखवाली कर, मेरी जीभ की रखवाली कर प्रभु। और कैसे, मेरे होठों पर क्या कर, पहले पहरा बिठा दे। हम प्रभु के पास जाते ही नहीं, अरे अच्छी बातों के लिए प्रभु के सामने जाए। आप बोलना चाहिए हमेशा प्रभु मेरे होंठों पर पहरा बिठाओ, आपके स्वर्गीय दूत हमेशा मेरे मुंह को ऐसे रखें, क्योंकि आपकी जुबान में मृत्यु और जीवन दोनों है। प्रभु ने आपको भी दे दिया है अधिकार ये कि आप किसी को जीवन और मृत्यु दोनों दे सकते हो। अगर हम सुसमाचार लोगों के पास लेके जा रहे हैं ना, अच्छी बात है, पहरा बैठा हुआ है, हम अच्छी बातें बता रहे हैं प्रभु के लोगों, मेरे होठों पर पहरा बिठा, हाँ मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। और 4 वचन में क्या लिखा, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग और दुष्ट कामों में ना लगूं और उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में कुछ ना खाऊं। लेकिन आज तो जहां अच्छा खाना देगा वहीं पे ढेर हो जाएंगे, उधर से हिलेंगे। कितनी बातें इसने बता दिया, मैं कहां कहां गिर सकता हूं, कहां कहां गिर सकते, क्या बताया, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर ना फिरे। तो याद रखिए आपका मन बुरी बातों की ओर फिरता है ना
तो जुबान को वश में लाए। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। तो कौन लोग हैं जो दुष्ट काम कर रहे हैं उनके पीछे चल रहे हैं, तुम कभी ना कभी जरूर गिर जाएंगे। और उनके स्वादिष्ट भोजन, उनकी जो अच्छी अच्छी वस्तुएं जिनको देखकर मन ललचाएगा, कभी भी बहुत से लोग जाएंगे ना किसी घर में अच्छा खाना बना, तब उनके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, चाहे वो बुराई क्यों ना हो, भले वो बलि दिया हुआ क्यों ना रखा उन्होंने, तभी वो फटाफट मिलना चाहिए मुझे। तो खाने के चक्कर में भी बहुत सी बार हम गिर जाते हैं, मुँह से बोल आए आए खाना कैसा बना, मुझे पसंद नहीं। तो ये भाई यहाँ तक ये स्वाद इसका, नीचे गया तो कुछ भी नहीं, फिर से खाना पड़ेगा। तो कभी कभी इन चीज़ों की वजह से बुराई में चले जाते हैं, क्योंकि बोल दिया ना मुँह से, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये कैसा था, वो कैसा था, तो ये बुराई है बहुत बड़ी। इस बुराई से बचना चाहिए। जब अंत समय आएगा तो आपको कोई दोषी नहीं ठहराएगा, याद रखे। कौन दोषी ठहराएगा आपको? खुद। पढ़िए मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 37 वचन में लिखा है, मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 37 वचन में प्रभु यीशु मसीह साफ हमको बता दिएगा कि आप दोषी कैसे ठहरोगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो आपको कौन दोषी ठहराएगा? मेरे खुद का, आपका खुद का जुबान आपको दोषी ठहराएगा, आपके ऊपर दोष लगाएगा, तो गलत है। हमारी जुबान हमें दोषी ठहराएगी, इसलिए याद रखें हम अपनी जुबान को अच्छा इस्तेमाल करें, इनको अच्छा से इस्तेमाल करें। हम प्रभु के सामने हैं, अब याद करना चाहिए उस परमेश्वर को जिसने आपके लिए वो 39 कोड़े खाए हैं, जिन्होंने कांटों का ताज पहन लिया है, जिस परमेश्वर ने आपके लिए जान दे दिया है, वो परमेश्वर के बेटे हैं आप। वचन में ऐसा बताया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12 में जितनों ने ग्रहण किया वही परमेश्वर की संतान है। तो ये भी बड़ी बात है कि हम ग्रहण कर चुके हैं या नहीं कर चुके, क्योंकि ग्रहण किया तो हमारा स्वभाव प्रभु के जैसा बन जाएगा, ग्रहण नहीं किया तो इंसान ही रहते पहले के जैसे, मनुष्य के काम ही कर रहे। तो जितनों ने ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। हमारी जुबान हमें मृत्यु में ना लेके जाए। आपकी जुबान में जीवन मृत्यु दोनों है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब कैसे चलते हैं जीवन में? अच्छा चले, अब्राहम के जैसे चले। अब्राहम कैसे अपने लोगों के लिए प्रभु के सामने खड़ा हो गया? मूसा कैसे प्रभु के सामने खड़ा हो गया अपने लोगों के लिए? और कैसे अय्यूब ने सब कुछ खत्म होने के बाद भी प्रभु का इनकार नहीं किया? वो कंगाल लाजर, एक खाना, एक टुकड़ा भी उनको खाने का नहीं मिल रहा, तब भी वो प्रभु का धन्यवाद किया उसने, और उसको स्वर्ग राज्य प्राप्त हो गया। लेकिन जो अपनी जुबान को इस्तेमाल नहीं किया सही से, वो जाकर वहां बोल रहा है कि अब लाजर को भेजो, जे जीव के ऊपर एक बूंद पानी रख दे, तब कहां से मिलेगा? तब नहीं मिलेगा। अपने जीवित रहते ही आप अपना इंतजाम करें, मरने से पहले चिंता करें, मरने के बाद आपकी जुबान को कोई ठंडा नहीं करेगा। मरने से पहले अपनी जुबान को ठंडा रखें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की।